नमस्कार दोस्तों, आज है संडे और मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक संडे कमेंट बॉक्स लेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप भी हैशटैग आस्क स्कॉलरशिप और अपना एक महत्वपूर्ण सवाल लिख दीजिए, जो कि अगले संडे को आपका सवाल भी इस कमेंट बॉक्स में आ सके। और दोस्तों, आज शाम को लाइव आऊँगा अपने चैनल पर, जहाँ पर लाइव आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि राजस्थान समाज कल्याण विभाग उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप की हर एक लेटेस्ट व यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का कमेंट बॉक्स। दोस्तों, यहाँ पर पहला जो सवाल है ये पूछने वाले हैं करण बिवल। ये पूछते हैं, सर मैंने अकाउंट नंबर और IFSC कोड जन आधार और स्कॉलरशिप फॉर्म दोनों में चेंज कर दिया है, अब कब तक स्कॉलरशिप आएगी, बिल जनरेट हो गया मेरा। दोस्त करण, बताना चाहूँगा कि जन आधार में बैंकिंग डिटेल 1 से 2 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगी और आपका बिल जनरेट हो गया है, उसके लिए आपको सबसे पहले बधाई। दोस्तों, बजट आ गया है पर DLO के पास सेंक्शन के लिए आना है, जैसे ही आएगा उसकी तो आपकी स्कॉलरशिप है ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा डिस्पर्स कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, दूसरा सवाल है यहाँ पर मेडिकल एग्जाम इन्फॉर्मर का। सर मेरा 12 मई को DLO अप्रूव हो गया लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आई अभी तक। तो दोस्त, जैसा मैंने पहले कमेंट में बताया कि जैसे ही ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पास बजट आएगा तब पेमेंट प्रोसेस वाइज डाल दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल पूछने वाले हैं PRG ब्लॉग। ये पूछते हैं, सर मेरा फॉर्म 25 जुलाई 2021 को DLO से अप्रूव हुआ है लेकिन उसके आगे कुछ नहीं, क्या करना चाहिए। भाई PRG, DLO से अप्रूव होने के बाद आपका पेमेंट सेंक्शन होगा, फिर बिल बन के जनरेट होगा और उसके बाद जो उपलब्ध बजट होगा उसके हिसाब से आपकी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट होगी। DLO अप्रूव के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, जो भी करता है वो डिपार्टमेंट प्रोसेस वाइज अप्रूवल देता है, ठीक है। चौथा कमेंट है यहाँ पर लखन सिंह। ये पूछ रहे हैं कि सर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अकाउंट में नहीं आई है, प्लीज़ हेल्प मी। तो भाई लखन सिंह, स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वैसे तो अकाउंट में आ जाती है, पर जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि सरकार द्वारा बजट जारी कर दिया गया है तो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट यानी कि समाज कल्याण विभाग को, लेकिन जैसे ही ट्रेजरी के पास आएगा तब पेमेंट है जो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अपने स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ जन आधार कार्ड में जो आपकी अपनी बैंकिंग डिटेल है नई वाले, जैसे कि मान लो IFSC कोड चेंज हुआ है या फिर MSR कोड को, तो अगर आप अपडेट नहीं रखते तो वो भी एक मेन कारण होता है जिसके कारण आपकी जो डिस्ट्रीब्यूट स्कॉलरशिप होती है वो आपके अकाउंट में नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने जो बैंकिंग डिटेल है वो जन आधार कार्ड में हमेशा अपडेट रखें। दोस्तों, अगला कमेंट है रावताराम डांगी जी का। ये लिखते हैं कि सर स्कॉलरशिप का मोबाइल से स्टेटमेंट्स कैसे चेक करते हैं। तो मेरे भाई डांगी जी, इसके लिए मैंने कल एक प्रॉपर वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला था जिसमें स्टेटस चेक करने की स्टेप बाय स्टेप डिटेल दी गई है। तो दोस्त, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों की एक प्रॉब्लम है कि आप लोग क्या करते हो, मेरे किसी भी वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, इसलिए इन सवालों को आप बार बार रिपीट पूछते हो, जबकि ऊपर सॉल्व किए गए सारे सवालों का जवाब मैंने पिछले 3 वीडियो से डिटेल में बता रहा हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को हमेशा 4 से 5 मिनट का वीडियो होता है तो वीडियो को पूरा देखें, ताकि बाद में आपको जो सवाल पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों, ये थे आज के सेक्शन के कमेंट जिसका मैंने जवाब देने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। Thanks for watching.